पूर्वजों से हम लोग को चला आ रहा है पहाड़ी मंदिर। हम लोग मैंने बचपने से ही आ रहे हैं, हमारा अब दादा भी आए हैं यहाँ पर, सबको आए हैं यहाँ पर पहाड़ी मंदिर से, हम लोग सबको आ रहे हैं जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रांची का पहाड़ी मंदिर आप लोगों को घुमाऊँगा। रांची का जो पहाड़ी मंदिर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और इसका हिस्ट्री के बारे में हम पता करेंगे कि क्या हिस्ट्री है इनका। तो यहाँ पे इस सारे दुकान है, ये सब दुकान से आप पूजा की सामग्री आप खरीद सकते हैं। और पार्किंग के लिए, बाइक की सब के लिए पार्किंग देखो यहाँ पे लगा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है पार्किंग का। आप आइए आराम से खड़ा कीजिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पहाड़ी मंदिर का मेन गेट है और इसी गेट से हम लोग सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चलेंगे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 से प्लस सीढ़ियाँ हैं, तो चढ़ने में टाइम लगेगा। तो चलते हैं, रास्ते में आप लोगों को दिखाते दिखाते चलते हैं कि क्या क्या है और कौन कौन सा भगवान यहाँ पे है। पहाड़ी मंदिर अगर आप आते हैं तो इस रास्ते से आप आइएगा यहाँ पे। यहाँ पे जूता चप्पल जितना कुछ है सब कुछ यहाँ रखने का व्यवस्था दिया गया है और इसका कोई चार्ज नहीं है। आपका मन है जितना आप इसे दे सकते हैं, आपके सामान रखने के बदले आपका मन है, आप जितना दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने सारा बैग इसको रख दिया और जा रहा हूँ अभी, स्विच भी खोल करके रख देते हैं। अगर आते हैं तो कुछ इस तरह से दृश्य आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है तो आगे आगे आप लोगों को दिखाते ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है घंटी दिया गया है और कुछ इस तरह से यहाँ पे शिवलिंग है, लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, लोग स्नान करके आए हुए हैं। हम लोग स्नान नहीं किए हुए हैं तो साइड साइड से सिर्फ वीडियो को कवर हम लोग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दान पेटी लगा हुआ है और यहाँ का शिवलिंग है। इस साइड चलते हैं तो कुछ भगवान जी हैं, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कौन सा भगवान का यहाँ। यहाँ पे काली जी है, आप देख सकते हैं हाथ में मुंडी लिए काली जी यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से पूजा किया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यहाँ का जितना पहाड़ी मंदिर में जितना भगवान है सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो अभी चलते हैं और ऊपर। तो अभी देखिए अभी बहुत दूर है, अभी इतना ही अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। ये जो है मंदिर है क्या नाम से फेमस है, जैसे कि पहाड़ी मंदिर फांसी टोप। पहाड़ी मंदिर और कौन सा भगवान है यहाँ पे? शिव जी शिवलिंग है। शिवलिंग है ना जी। भक्त लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे कितने भक्त लोग आए हैं और अभी हम भी चलते हैं एकदम टॉप पे और वहाँ से दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शौचालय की भी व्यवस्था है इस साइड में महिलाएं के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ जगह जगह पे व्यवस्था दिया गया है। अभी हम चढ़ ही रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लाइन है कि जिस घर में माँ बाप होते हैं उसी घर में भगवान होते हैं, तो मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माँ पापा को अच्छी तरह से सेवा करिए और मंदिर भी आइए, लेकिन पहले फर्स्ट कर्तव्य आप लोगों का यही बनता है कि अपने माँ पापा की सेवा करें। और यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था दिया गया है और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी भगवान जी है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा भगवान का मंदिर है। तो हम अभी अंदर तो नहीं जाएंगे बट यहाँ से जूम करके दिखाते हैं कि क्या है। यहाँ का कैप्चर कर लिए, फिर से चलते हैं ऊपर। अभी थोड़ा दूर और आगे है और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आप फोटो शूट भी करवा सकते हैं, यहाँ पे फोटो शूट का भी माध्यम दिया गया है। और देखिए आप सीसी कैमरे के नज़र में है, फुल फुल
पूरा जो है ना पूरा इंतज़ाम किया गया है कि कोई प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी को नंबरिंग किया गया है, तो अभी 309 सीढ़ी तक पहुँच चुके हैं। और देखिए कुछ इस तरह से है, लोग थक चुके हैं तो आराम कर रहे हैं बीच बीच में। अब हम पहुँच चुके हैं, 400 सीढ़ियाँ पार कर लिए, पहुँच गए हैं और चलेंगे भी ऊपर टॉप पे, जहाँ पे मेन मंदिर है, शिवलिंग है भगवान जी का। तो फिर अभी देखिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। मस्त लाइन लिखा है, कोई मेरा बुरा करे वे कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं या धर्म मेरा। मनोकामना चुनरी स्थल, यहाँ पे अपने लोग अपने अपने मनोकामना को लिए हुए यहाँ पे चुनरी बांध रहे हैं। तो चलते हैं अभी ए साइड देखते हैं कि ए साइड क्या है। और यहाँ पे भी पूजा हो रही है, तो यहाँ पे लोग नारियल फोड़ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। मनोकामना चुन्नी बांध रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान जी मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए। और मैं भगवान से मांगा कि भगवान जी जिस दिन मैं सफल होऊंगा उस दिन मैं आऊंगा यहाँ पे चुनरी बांधने के लिए, क्योंकि अभी मैं अचानक रेडमली आ गया था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का दृश्य है यहाँ पे, मुझे सच में नहीं पता था, नहीं तो मैं भी पूजा का सामान लेकर आता, नहा धो अच्छा से आता नहा करके। तो भगवान जी सपोर्ट कीजिएगा, फ्रेंड्स आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ का दृश्य नज़ारा और कुछ इस प्रकार से है, जितना बन पा रहा है मेरे तरफ से मैं उतना कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, उतना आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। है मेन मंदिर, यहाँ कौन सा भगवान है हम किसी से पूछेंगे, शायद शिवलिंग है ना, शिवलिंग है यानी शंकर भगवान जी है। लोग जब इंसान से धोखा खाते हैं तो भगवान पे भरोसा रखते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं कि भगवान मेरा ये विश मेरा ये इच्छा कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो मैं आऊँगा और फिर से यहाँ पूजा करूँगा। और यही विश मांग करके लोग चुनरी बांध करके लोग मनोकामना की जो है वो बांध गांठ बांध करके लोग यहाँ से जाते हैं। तो हम इन्हें यहाँ का दिखा दिया। अंकल जी आप यहीं से हैं, आप यहाँ का कुछ बता सकते हैं कि क्या किस एक इतना फेमस है, तो फिर यहाँ पे कुछ बताइए आप। नहीं आते यहाँ से, हम बहुत साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जी, हाँ बहुत साल से आ रहे हैं और उनका कृपा है कि आप सबको अच्छा से पूजा करके जाता है यहाँ पे बहुत। और ये चुनरी माना जाता है तो मनोकामना पूर्ण होता है, एकदम पूर्ण जरूर होता है, बाबा कृपा है ऐसे भी पूरा होता है पूरा एकदम। और पूर्ण होने के बाद फिर से क्या होता है फिर? बहुत बहुत सारा आदमी आता है, अपना जो मनोकामना रहता है उनका पूरा होता है तो भी आते हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी आते हैं आदमी के, हाँ
हमको बाबा अगर कुछ भी हो जाए तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, चढ़ाता भी आदमी सब जी। और कुछ इसके बारे में कुछ विशेष बात है? बहुत बढ़िया, अच्छा है बात कि विशेष बात क्या कि आज मैंने पूर्वजों से हम लोग को चला आ रहा है पहाड़ी मंदिर, हम लोग मैंने बचपने से ही आ रहे हैं, हमारा बाप दादा भी आए हैं यहाँ पर, सबको आए हैं यहाँ पर पहाड़ी मंदिर से, हम लोग सबको आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको आदमी आता जाता रहता है। आप यहाँ का पुजारी हैं? आप क्या यहाँ के हम लोग संस्थापक हैं, मतलब यहाँ का मतलब जो व्यवस्था भी जो करते हैं सब देख रहे आप ही का हम लोग करते हैं ना, और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, सब कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम एकदम कोई नहीं। और बोलबम की टाइम उस समय भीड़ रहता है ना? बहुत 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 काफ़ी, क्योंकि शंकर भगवान का है एकदम एकदम, तो जल चढ़ाने के चार तीन दो बजे से ही भीड़ हम लोग को शुरू हो जाता है, तो हम लोग मतलब रात आठ नौ बज जाता है, तो हम लोग परेशान रहते हैं उस दिन, हम लोग मतलब कोई कार्य नहीं करते हैं, हम लोग यहीं बाबा के दरबार में ही सेवा सत्कार करते रहते हैं, समझे कि नहीं, एकदम हम लोग तो मन तन से एकदम हम लोग सबको यहाँ व्यवस्था करते हैं, बाबा को एकदम कोई दिक्कत नहीं, बाबा को हम लोग बाबा की कृपा से हम लोग अच्छा खासा कमा खा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया है सब, समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया जी। हम तो यहाँ पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हम भोले बाबा से मांगे हैं विश कि मेरा कम्प्लीट हो जाए एकदम एकदम, बाबा की कृपा रहेगा तो आपको जरूर कम पूरा होगा एकदम, इसमें दम धारे रखिए एकदम, आपको एकदम जरूर पूरा करेंगे बाबा। उसके बाद हम फिर से आएंगे पहाड़ी मंदिर एकदम एकदम एकदम, बेशक आइए एकदम, बेशक आइए एकदम। सो फ्रेंड्स, यहाँ की कुछ बातें मैंने आप लोगों तक शेयर किया, ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, और यहाँ पे और ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जितना कुछ कवर करने के लिए था हमने कवर किया, और आप लोगों को यहाँ पे जो है सारी चीज़ें सब कुछ दिखाया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ।